सो हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन. एंड आज एक बहुत ही एक्साइटिंग डे है. आज मैं हूँ यूएसए अमेरिका में मॉनरोविया में, एंड हम लोग खड़े हैं स्टार सर्जिकल, स्टार आईसीएल की फैक्ट्री के सामने. एंड आज मैं आपको पूरा टूर देने वाला हूँ कि ये जो ICL लेंसेज मैन्युफैक्चर हम करते हैं, जैसे ICLs के बारे में मैंने आपको बताया है कि एक पतला सा लेंस होता है जिसको आंख के अंदर परमानेंटली इम्प्लांट करा जाता है चश्मे का नंबर ठीक करने के लिए. स्पेशली उन लोगों में यूज़ करा जाता है जिनके चश्मे का नंबर हाई होता है, 7 या 8 डायोप्टर से ऊपर होता है, या किसी की आंख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, थिन कॉर्निया हो, केराटोकोनस हो, या किसी सिचुएशन में हम लोग कॉर्निया को प्रिजर्व करना चाहते हैं. इन सब सिचुएशंस में ICL टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है चश्मा हटाने के लिए. तो आज मैं आपको पूरे फैक्ट्री का एक टूर देने वाला हूँ कि ICL लेंसेज को कैसे मैन्युफैक्चर करा जाता है और कैसे ये लेंसेज फैक्ट्री से हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं, फाइनली पेशेंट का ऑपरेशन करके चश्मे का नंबर ठीक किया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टार ICL की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें बेसिकली 9 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं. तो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इस फैसिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज हम लोग अमेरिकन सॉइल में हैं एंड USFDA की गाइडलाइंस हैं. तो जितना पॉसिबल हो उतना मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा. तो इसमें हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं लेंस को बनाना. सबसे पहले एक कोलामर का बटन होता है, ये कोलामर मटेरियल है जिससे लेंस को बनाया जाएगा. फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं लेथिंग. लेथिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इस कोलामर बटन में एक फर्स्ट लेंस की शेप को हम लोग निकाल लेते हैं. सेकंड स्टेप होता है मिलिंग. मिलिंग में क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट लेंस की शेप दी हमने कोलामर बटन में, उसमें हम लोग लेंस की जो आउटलाइन है उसको काट के निकाल लेते हैं. इसके बाद जो स्टेप होता है उसको कहते हैं डी वैक्सिंग. तो इसको स्पेशल केमिकल से लेंसेज को वॉश करा जाता है, बेदिंग करी जाती है और लेंसेज को क्लीन करा जाता है. इसके बाद जो स्टेप आता है उसको हम लोग कहते हैं टम्बलिंग या पॉलिशिंग. इसमें क्या होता है कि ये जो लेंसेज निकले इसको कुछ स्पेशल बीड्स के साथ बॉटल्स में मिक्स कर दिया जाता है और इन बॉटल्स को रोटेट करा जाता है फॉर अबाउट 16 आवर्स, जिससे लेंस की जो सरफेस की इररेगुलरिटीज और इम्परफेक्शंस होती हैं वो ठीक हो जाती हैं. इसके बाद जो स्टेप आता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन या सैचुरेशन. तो करीब 200 घंटे तक इस लेंस को एक स्पेशल फ्लूइड में डिप करके रखा जाता है जिससे ये लेंस सॉफ्ट हो जाता है. इसके बाद आती है इंस्पेक्शन, जहाँ पे चेक करा जाता है कि लेंस बिल्कुल परफेक्ट बन गया, लेंस की पावर बिल्कुल परफेक्ट है. एक बार इंस्पेक्शन से फाइनलाइज होकर जब लेंस हमें मिल जाता है उसके बाद इस लेंस की स्टरलाइजेशन होती है, जहाँ पे इसको प्रॉपरली क्लीन करा जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, इम्प्योरिटीज़ है उनको साफ करा जाता है और फाइनली लेंस को पैक करके आगे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है.